Hello everyone, welcome to Illustrate. So today we are going to talk about MDR Gurgaon. As you know, इसके forms out हो चुके हैं. उसकी deadline है वो 24 November है. So timely fill कर लेना अपने form. Delay मत करना क्योंकि इसके form की जो है date है वो extend नहीं हुई है. So first of all इसके दो campuses हैं. एक गुड़गांव में इसका campus है, एक मुर्शिदाबाद में है. जो इसका main campus है वो गुड़गांव में है इसका campus. यहाँ पे कुछ ranking दी गई है. इसको 13th rank मिला है NIRF इंडिया में. MBAUniverse.com ने इसको जो है इंडिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल रैंक दिया है, 10th रैंक दिया इसमें. बिजनेस टुडे इंडिया ने इसको बेस्ट बिजनेस स्कूल रैंक दिया है, दैट इज 7th रैंक दिया गया इसमें. हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर था इसका वो 60 लाख पर एनम, मीडियम पैकेज 26.13 लाख पर एनम था. तो काफी अच्छा कॉलेज है ये. कि मेनली तीन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एक पीजीडीएम, एक पीजीडीएम एचआर, एक पीजीडीएम आईबी. इन तीनों की ड्यूरेशन जो 2 2 ईयर्स की होती है. जो इन दोनों की फीस है वो 24.17 लाख, बट जो आईबी की जो फीस है वो 28.16 लाख. सो ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है इससे जो बाकी दो कोर्सेज है, इसकी जो है एक्सपेंसिव रहेगी फीस. एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं, पीजीडीएम एंड एचआर के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए. मिनिमम 50% आपको मार्क्स चाहिए 10th एंड 12th में. 3 3 ईयर्स की आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए. मिनिमम 50% मार्क्स उसमें आपके आने चाहिए. अगर आप फाइनल ईयर में हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो. कैट एंड जीमैट के स्कोर्स को यह एक्सेप्ट करता है. यहाँ पे आपको इसके इसके लिए एमडीआई का अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी. एंड नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर पीजीडीएम आईबी. मिनिमम 50% मार्क्स आपको 10th एंड 12th में चाहिए होंगे. यहाँ पे आपको 4 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री चाहिए. 3 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री नहीं, 4 ईयर्स की. एंड मिनिमम 1 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए ही होगा. देन है एप्लीकेशन प्रोसेस. एप्लीकेशन इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा एमडीआई की साइट पे जाके. लास्ट डेट जो है इसकी November 24th रहेगी. एंड अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में 80 अबव मार्क्स आ रहे हैं, 80 to 85 के बीच में आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इस कॉलेज का फॉर्म जरूर फिल करना. अगर आप गुरुग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3000 फीस होगी. अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3590. अगर आप सिर्फ मुर्शिदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1180 फीस रहेगी इसकी. नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया. आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैट स्कोर. फिर उसको जीडीपीआई एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जीडीपीआई के लिए उनको कॉल किया जाता है. उसके बाद ये जो है राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं जीडीपीआई के बैंगलोर में, गुरुग्राम में, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई में. उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर, जीडीपीआई राउंड, पास्ट एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर अकम्पलिशमेंट्स एंड रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस. यहाँ पे कुछ वेटेज दी गई है. कैट स्कोर को सबसे ज्यादा दैट इज 55% वेटेज ये प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू को दैट इज 30%, देन एप्लीकेशन स्कोर को दैट इज 15%. एप्लीकेशन स्कोर में आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, अकेडमिक डाइवर्सिटी क्या है, दैट इज आप दैट मीन्स कि आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, जेंडर डाइवर्सिटी मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे फीमेल्स को एडवांटेज ज्यादा मिलता है. एंड वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है. एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर आपने कैट में अच्छा कर दिया लेकिन आपने इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिया, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे. सो अपनी जीडीपीआई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना. आपको मेनली वहाँ पे आपकी जो है आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस बेसिस पे आपको वो जज करते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देंगे, उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे. आपके अकेडमिक्स से क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं. आपका आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जो आप जॉब कर रहे थे. सो वो आपसे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पुट करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स वो आपको मार्क्स देंगे. सो इसकी प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट है कट ऑफ. जो इसकी जनरल कट ऑफ जाती है वो 93 to 95 परसेंटाइल जाती है. अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो थोड़े कम पे भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे. बट आपको जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो मेन जो फोकस कैट का होना चाहिए वो 97+ परसेंटाइल का होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे चलकर आपको कॉल जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ये कुछ प्लेसमेंट रिव्यू दिया है इन्होंने लास्ट ईयर का. 102 रिक्रूटर से, 21 न्यू रिक्रूटर से, 472 स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए प्लेस हुए थे. 28% फीमेल, 72% मेल. पीपीओ 154, 60 लाख हाईएस्ट सीपीसी. नेक्स्ट है बैच हाईलाइट्स.
एवरेज कैट परसेंटाइल जो उस टाइम जो स्टूडेंट्स थे उसमें उस बैच में 96.42% वाले स्टूडेंट्स एवरेज थे। उनकी एवरेज एज 26 ईयर्स, 28% फीमेल, 72% मेल। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 28 मंथ्स। यहाँ पे देखो फ्रेशर्स, यहाँ पे बताया 23% फ्रेशर्स थे टोटल बैच के जिनका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस था। 8% 13 to 24 मंथ्स वालों का, 25% 25 to 36 मंथ्स वालों का, 29% 36+ वालों का, 15%। 32% सेल्स एंड मार्केटिंग के स्टूडेंट्स से, 35% आईटी से, 8% मैन्युफैक्चरिंग से, 13% एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग से, 2% ऑपरेशंस, 10% बीएफएसआई एंड अदर से। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंजीनियर से 77%, उसके बाद आर्ट्स एंड अदर फील्ड से थे 13%, देन लास्ट में 10% कॉमर्स वाले। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ओवरव्यू। यहाँ पे हाईएस्ट सीटीसी 60 लाख गई थी, 26.13 मीडियम सीटीसी, 11.19% इंक्रीज हुआ था मीडियम सीटीसी में। जो टोटल नंबर रिक्रूटर्स है 102, उनमें से कुछ नए थे 21, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस टाइम 472। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ओवरव्यू। एवरेज सीटीसी जो उस टाइम गई थी टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट से, टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट्स की वो 43.02 लाख, टॉप 25 परसेंटाइल की 37.04 लाख, एंड टॉप 50 परसेंटाइल की 32.39 लाख। नेक्स्ट इज इन्होंने अलग से ये दिया गया है पीजीडीएम एंड पीजीडीएम आईबी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट ओवरव्यू। यहाँ पे उन्होंने बताया है टॉप 10 परसेंटाइल वालों की एवरेज जो थी 43.20 लाख, मीडियम उनकी 36.30 लाख, टॉप 20 परसेंटाइल की एवरेज 37.39, मीडियम 35.04, टॉप 50 परसेंटाइल की एवरेज 32.84, मीडियम 30.10, इंटायर बैच की 27.67 एवरेज एंड 26.70 मीडियम। सो ये डाटा आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो इस डाटा को। नेक्स्ट है एचआर का दिया उन्होंने, एचआर के स्टूडेंट्स से उनकी क्या प्लेसमेंट रिपोर्ट थी। टॉप 10 परसेंटाइल का इन्होंने दिया पहले 42.5 लाख एवरेज, 40.02 लाख मीडियम, टॉप 25 परसेंटाइल 35.32 लाख एवरेज, 32.99 लाख मीडियम, टॉप 50 परसेंटाइल 30.78 लाख एवरेज, 27.80 लाख मीडियम, इंटायर बैच का 26.42 लाख एवरेज एंड 25 लाख मीडियम वालों का दिया गया। ये जो इसका एचआर का बताया उन्होंने 11.05% इंक्रीज हुआ है इनका एवरेज सीटीसी। देन ये कुछ कंपनीज हैं जो जिन्होंने लास्ट ईयर विजिट किया था और काफी अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट्स को। एंड जनरल मैनेजमेंट का सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कंसल्टिंग एंड जनरल मैनेजमेंट का। यहाँ पे पढ़ सकते हो कंपनीज के नेम्स हैं, अडानी है, अमेजोन है, टेल डिलाइट, गोदरेज, कोटक। एचआर का रोल प्रोवाइड किया था जिन कंपनीज वो हैं फ्लिपकार्ट, एचएसबीसी, अमेजोन, एयरटेल, टाटा प्ले, काफी सारी कंपनीज है, काफी अच्छी कंपनीज है ये। फाइनेंस का पढ़ सकते हो सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। आईटी ऑपरेशन का मेंशन है यहाँ पे जियो, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, अमेजोन। सेल्स एंड मार्केटिंग का भी मेंशन है यहाँ पे, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, प्यूमा, फोन पे एंड ऑल, यहाँ पे रीड कर सकते हो। सो ऑन द होल काफी अच्छा कॉलेज है, आरओआई के प्रोस्पेक्टिव से देखे तो ठीक कॉलेज है, अच्छे अच्छे पैकेज प्रोवाइड कर रहा है ये स्टूडेंट्स को। सो आप डेफिनेटली इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 80 अबव आ रहे हैं, तो प्लीज अपना अपना ये इस कॉलेज का फॉर्म जरूर फिल करना। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू।